हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, फर्स्ट टाइम बहुत दिन के बाद आप लोग मुझे मतलब ये गेटअप पे देख रहे हैं। थोड़ा सा ये सच धज के मुझे कमेंट भी आ रहा था, आप मतलब ठीक से वीडियो बनाए जैसे पहले बनाया करते थे। बट आपको पता है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, डे वन से शेयर करती हूँ तो मतलब पता नहीं, तबीयत इतना ठीक नहीं लगता है। तो आज मैं सोची जो भी फील हो मैं आज वीडियो बनाऊँगी, अच्छे से बनाऊँगी, और इसलिए ये गेटअप में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता था मेरा मतलब लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का फोर्थ मंथ चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर है, तो जैसे मेरा 16 वीक चल रहा है, 15 वीक 5 डे है आज, तो अगर किसी का है और मेरा जैसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा हिम्मत मिल जाएगा, जैसे आप लोग मुझे हिम्मत देते हैं हर मुसीबत के समय, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। एग्जैक्टली मुझे क्या हो रहा है बताने के लिए, ये जो है लास्ट फ्राइडे से हो रहा है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँगी खुद समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको सुई से टच करने से, सुई होता है ना उससे टच करने से कैसे पेन होता है, मतलब हाँ जब टच करते हैं तभी पेन होता है, फिर निकाल लेते हैं तो ठीक हो जाता है और बाकी कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही पेन हो रहा है लोअर एब्डोमिनल में, वैसे ही पेन हो रहा है जो मैं बताई। तो ये नहीं कि कंटिन्यू होते जा रहा है, मतलब होता था ठीक हो जाता था, होता था ठीक हो जाता था, पूरा लाइट होता था। तो फ्राइडे से फील हुआ, फ्राइडे दोपहर को, फिर सैटरडे को ठीक हो गया, तो मुझे लगा आई थिंक ये जो है यूटरस स्ट्रेचेस के वजह से हो रहा है, राउंड लिगामेंट पेन है, क्योंकि प्रेगनेंसी का 4 मंथ चल रहा है और ट्विंस प्रेगनेंसी है, शायद इसके लिए हो रहा है। तो ये मैं सोच के थोड़ा सा मतलब रिलैक्स थी, तो फिर पता नहीं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं एक्चुअल में क्या हुआ है। तो फिर मैं डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए खाने के लिए, 2 टाइम था 10 दिन के लिए, 5 सुबह शाम 2 टाइम। तो वो मेडिसिन लेने का बाद आई थिंक मैं ली मेडिसिन संडे रात को, मंडे कल दिन भर पूरा ठीक था, कुछ नहीं होता था, फिर कल रात को एक बार फील हुआ तो मुझे लगा आई थिंक मेडिसिन कंटिन्यू करने से ठीक हो जाएगा, फिर मैं सुबह मेडिसिन ली, फिर मुझे 11 बजे से आज अभी भी कंटिन्यू मतलब वो जो पेन थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है, तो उसको लेके मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, उसको लेके थोड़ा सा मैं भी परेशान हूँ। मतलब फिर से डॉक्टर से बात की, फिर उन्होंने दूसरा कुछ मेडिसिन्स दिए हैं, पहले वाला जो था वो प्री मैच्योर डिलीवरी ना होने के लिए, या लेवर पेन, या अर्ली प्रेगनेंसी में जो लेवर पेन होता है, ये सब के लिए दिए थे। अभी जो है पेन क्लियर दिए हैं 3 दिन के लिए, वो मेडिसिन भी मैं अपोलो से ऑर्डर की हूँ, पता नहीं आएगा, 7-8 बज जाएगा आते आते, तो रात को लेना है। तो पता नहीं, डॉक्टर ने तो बोले मेडिसिन लेने के लिए, बट मुझे ये फील हो रहा था शायद ये नॉर्मल है। अगर आप लोग का किसी का भी हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा क्योंकि आई वे प्रेगनेंसी में। तो अगर आप लोग से रिक्वेस्ट ये है किसी का साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन तो ऐसे चल रहा है, मुझे 20 तारीख को जाना है, जैसे आज 12 है, 20 तारीख को जाना है, जाने का बाद USU होगा, ग्रोथ स्कैन है, उसके बाद थोड़ा मैम देख लेंगे। जैसे अभी मेरा 11 बजे से हो रहा था, आई थिंक 2-3 बजे तक था, अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है मतलब क्या ऐसा हो रहा है। इतना तो घबराहट नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे हाँ, ये वीडियो बनाने का ये मेरा एम ये है कि अगर आप लोग का साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बोलने से क्या होगा ना, मेरा जो टेंशन है ये थोड़ा दूर हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।